एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज है हमारा डे वन, मतलब हम हमारी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और हम अब सब मिलके जाने वाले हैं कच्छ। सब बैठ के सामान ही पैक कर रहे हैं, बस अब निकलते हैं। ऑल रेडी हो गए हम लोग, हमारे लगेज को लेके अब जाएंगे, हमारी बस आएगी पिकअप करने के लिए और फिर हम जाने वाले हैं। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है डे वन, कल मॉर्निंग को हम लोग पहुँचेंगे। अभी बजे है रात के 9 बजे है, अभी हम बस से जाएंगे और फिर पहुंचेंगे वहाँ पे सुबह सुबह में उठ के आपको सब दिखाएंगे। पहले कहाँ जाने वाले? सबसे पहले दिन हम जाएंगे रण ऑफ कच्छ मेन, जहाँ पे रण उत्सव होता है, तो हम वो आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखो इतने सारे लगेज, कितना लगेज भरा हुआ है, मैस पड़ा हुआ है, सबके लगेज सेट हो गए हैं और अब हम जाएंगे। हम लोग यहाँ पे चौक पे पहुँच गए हैं, बस स्टॉप पे जहाँ पे हमारी बस आई है, और यहाँ पे सब अपने लगेज लेके तैयार हो गए हैं बस में जाने के लिए। तो हम भी जाते हैं अभी लगेज लेके। तो अभी हम लोग बस में आ गए हैं हमारा लगेज वगैरह लेके। रात के लिए हमारा बेडरूम, हमारे बेड, ये है हमारा बेडरूम, किंग साइज बेड, किंग साइज से भी बड़ा ही है। और अभी सारे यहाँ पे पथारे रखे हुए हैं सामान, और हाय करो, हाय हाय हाय। हम आज के हमारे गाइड हैं, ये हैं जिन्होंने हमारे लिए टूर ऑर्गेनाइज करी है। दिखाओ जगह, दिखाओ कैसा लगा हमें इनवाइट करने। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। अभी ये देखो हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं, ये मेरी कजिन बहन है और ये मेरे पिया है, ये मेरी बहन है और ये मेरी मम्मी है, मैं शिव, और ये मेरी चाची है और ये मेरी कजिन बहन है। आ गया, ये मेरे पापा है। अभी मेरे चाचू को मिली नहीं रहे, कहाँ चले गए? ये मेरे चाचू, ये मेरी दादी। The next day. So, hello everyone, this is our first morning in Kutch. और कल रात को हम बस में बैठे थे, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुँच गए थे, उसके बाद हमने शावर लिया और रेडी होके अब हम आए हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है स्वामीनारायण मंदिर। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत गेट ही इतना ब्यूटीफुल है और अंदर मंदिर भी बहुत बड़ा है, तो अभी हम वो देखने जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं। रियल लग रही है एकदम, एकदम रियल काउ लग रही है। और ये छोटी सी काफी सुंदर लग रही है, ये काफी चलो अभी दर्शन कर लेते हैं।
यहाँ पे फोटो खींचने के लिए सब बैठे हैं। अब हम लोग स्वामीनारायण मंदिर से निकल के ये चक्के में बैठे हैं और इस चक्के से हम जाने वाले आईना महल। इसको गुजरात में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चकड़ा। चकड़ा। हम इस चकड़े में बैठ के आईना महल जाने वाले हैं। वहाँ पे शीश महल की तरह हर जगह मिरर्स है अलग अलग टाइप के। चकड़े में बैठने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एक बार तो बैठना ही चाहिए। चकड़ा दिखाओ पूरा। यहाँ पीछे तीन पैसेंजर्स बैठे हैं, वो पैसेंजर नंबर वन, और यहाँ हम तीन बैठे हैं, और यहाँ आगे ये दो नमूने बैठे हैं नमूने, और वहाँ हमारे मामा जी बैठे हैं। बहुत नमूने। अब हम जाएंगे आईना महल और वहाँ पे भी बहुत सारे फोटोज रील्स लेंगे और आपको भी दिखाएंगे आईना महल। तो आईना महल जाने से पहले हमें यहाँ पे एक जगह स्टॉप पे उतारा है, जहाँ पे उनका कहना है कि यहाँ पे हम दिल दे चुके सनम और रेफ्यूजी मूवीज की शूटिंग हुई है, और ये किसी राजा की छतेड़ी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए आए हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। So this is the place. यहाँ पे हमारे जो गाइड है वो हमें बता रहे हैं कि हम दिल दे चुके सनम में जब सलमान और ऐश्वर्या ने फेरे लिए थे, वो वाला सीन यहीं पे शूट हुआ था। का गेट, और यहाँ पे दो महल है, एक आईना महल है और एक प्रग महल है। तो हम दोनों की तरफ जाएंगे एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। प्रग महल बहुत ज्यादा सुंदर है। सो हम देखते हैं, दिस इज द ह्यूज गेट और वो है प्रग महल। सो दिस इज द एंट्री फॉर द प्रग महल। यहाँ पे पैलेस का फूड कोर्ट भी है, तो जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं उनके लिए एक फूड कोर्ट बनाया गया है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है टिकट्स के लिए, और बैंक्वेट हॉल भी है यहाँ पे प्रग महल के अंदर, जहाँ पे लोग अपने फंक्शंस कर सकते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। अंदर आते ही यहाँ पे टिकट काउंटर है, वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं उनके सबके टिकट्स लेने होते हैं और उसके बाद ही वो आपको एंट्री देते हैं। तो अभी हम लोग लाइन में लगे थे टिकट्स लेके, अब हम अंदर जा रहे हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। टिकट्स का यहाँ पे जो प्राइस है वो था अडल्ट के लिए 60 रुपीज पर पर्सन एंड फॉर चिल्ड्रेन इट इज़ अराउंड 30 रुपीज। तो हमारे ग्रुप में तो ज़्यादा चिल्ड्रेन है नहीं, हम लोग सब अडल्ट में ही आते हैं, तो हमने मोस्टली अडल्ट की टिकट्स ली थी और दो तीन चिल्ड्रन की टिकट दी थी। तो अब हम अंदर जा रहे हैं एंड दिस प्लेस इज़ ऑसम फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। यहाँ पे हर जगह लाइन लगी हुई है बिकॉज बहुत सारे लोगों की स्कूल पिकनिक्स भी आई हुई है यहाँ पे विजिट करने के लिए। यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, तो अब हम जाते हैं। यहाँ पे लिटरली एक असली राजा का पैलेस हो ना, उस तरीके से पूरे रॉयल सीटिंग अरेंजमेंट्स है एंड आर्किटेक्चर भी पूरा रॉयल है एंड लाइक इट्स अमेजिंग। वाओ, मैं पहली बार ऐसे किसी पैलेस में विजिट कर रही हूँ, सो आई एम लविंग दिस। देयर इफ यू कुड फाइंड मी, दैट्स माय हैंड।
ऑल्सो यहाँ पे अंदर एंट्री करने से पहले सबके शूज उतरवा दिए थे जस्ट बिकॉज अंदर धूल मिट्टी ना जाए और गंदा ना हो जाए, बिकॉज टूरिस्ट प्लेस है, इतने सारे लोग आते जाते हैं तो अंदर गंदा हो सकता है, इसीलिए सबके शूज़ उतरवा देते हैं बाहर ही। सो यू हैव टू कीप योर शूज़ आउटसाइड। पैलेस का स्टेयरकेस जस्ट लाइक एनी अदर हॉरर मूवी। हर अब हम यही पुराने स्टेयरकेस से ऊपर जाते हुए, ये छोटे बेबी का जो क्रैडल होता है वो है, जिस रूम में हम लोग हैं वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिरर्स हैं जिसमें आपका बॉडी शेप टोटली डिफरेंट हो जाता है। सो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अलग अलग मिरर्स हैं। लेट मी शो यू मोटे पतले दिखते हैं इस मिरर में। नेक्स्ट पतले भी मोटे दिख लगते हैं। और बहुत भीड़ है यार। दिस मिरर शोज द अपसाइड डाउन इमेज। अपसाइड डाउन नहीं है। Long leg Lisa. यहाँ ये बिग बैंग की कॉपी बनाई हुई है सॉर्ट ऑफ। और यहाँ पे एक्चुअली स्कूल की ट्रिप आई हुई है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, इसकी वजह से हमें ढंग से घूमने भी नहीं मिल रहा है। अदरवाइज द व्यू इज रियली नाइस एंड फोटोग्राफी करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। छोटा सा मार्केट लगा है प्रग महल के पीछे। सो यहाँ पे सब शॉपिंग के लिए खड़े रह सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। विंचम्स है अलग अलग टाइप के और यहाँ विंटर वेयर्स है, वुलन कलेक्शन, कच्ची प्रिंट वाले पर्सेस, आर्टवर्क, गुजराती ड्रेसेस में पहनने वाली ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज एंड एवरीथिंग। वाओ, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट पीसेस जो लोगों को घर में रखने का बहुत शौक होता है। दीज आर विंचम्स। ब्यूटीफुल, इन पे भी अच्छी वर्क आर्ट वर्क किया हुआ है। गणेश जी, राधे कृष्ण, Thank you.
अभी हम लोग है कच्छ म्यूजियम के पास। तो यहाँ पे कच्छ के क्यूरेटर्स की जो ऑफिस है, अल्फ्रेड बिल्डिंग है, वो सब अंदर है। कच्छ की पूरी हिस्ट्री के बारे में उसके म्यूजियम के अंदर रखा गया है सब। तो वो इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में हम जानेंगे। उसके लिए यहाँ टिकट्स लेनी होती है। इंडियन सिटीजन के लिए इट्स ₹5, फॉर अ स्टूडेंट ₹2, एंड फॉरेन विजिटर्स के लिए ₹50 की टिकट है। और ये है म्यूजियम। हमारे घर वाले इसीलिए खुश है बिकॉज ओनली ₹5 की टिकट में हम पूरा म्यूजियम देखने वाले हैं। हम कच्छ म्यूजियम होकर तो आए, लेकिन अंदर जाकर हमें पता चला कि अंदर म्यूजियम के अंदर शूट करना इज प्रोहिबिटेड। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। फिर भी मैं जितना छुपछुपा के थोड़ा बहुत ले पाई उतना मैंने लिया है, एंड बाकी तो हम ले नहीं पाए बिकॉज उधर शूट करने पे अगर किसी ने देख लिया तो फाइन लगती है, इसलिए। अब है हमारा लंच टाइम। सो अब लंच करने के बाद हम लोग जा रहे हैं रन ऑफ कच्छ में, द मेन स्पॉट जिसके लिए सब कच्छ आते हैं। तो लेट्स सी। सो फाइनली हमारे इस ट्रिप पे जो मोस्ट डिजायरेबल डेस्टिनेशन थी, हम वहाँ आ चुके हैं, दैट इज द वाइट रन ऑफ कच्छ। और हम यहाँ पे एंट्री गेट तक पहुँच गए। हमारी बस जो थी वो हमें वहाँ पार्किंग लॉट तक छोड़ के गई। उसके बाद वी आर वॉकिंग टू द गेट और आगे बहुत चल चल के जाना है। और वहाँ पे हम यहाँ से दूर से देख सकते हैं, लिटरली वाइट वाइट ऐसा लग रहा है जैसे स्नो की लेयर पड़ी हुई है। इट इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक हेवन हियर। आप सबको एक बार जरूर 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 आना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ की वाइब ना बहुत अच्छी है। और हम ऐसे टाइम पे आए हैं कि हमें मे बी यहाँ पे सनसेट देखने को भी मिलेगा, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर अस। सो दिस इज द रन ऑफ कच्छ। दिस लिटरली लुक्स लाइक अ स्नो लेयर। और मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इट्स ये एक्चुअली सॉल्ट है, यू सी सॉल्ट, ऐसे पूरा सॉल्ट के दाने हैं। बट दूर से दिखने में ये स्नो ही लग रहा है, सो किसी की भी आंखें धोखा खा सकती हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं और आगे एंड दिस लुक्स परफेक्टली फाइन, एकदम वाइट दिख रहा है। और यहाँ पे से सनसेट भी दिख जाएगा हमें, तो हम वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ऑफकोर्स यहाँ पे आए तो हम रील्स भी बनाएंगे, फोटोज तो ऑफकोर्स लेंगे। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं बिकॉज पीछे जो है वहाँ पे मिट्टी भी है, तो इसलिए जो सॉल्ट है वो थोड़ा गंदा है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग चलते हैं, इसलिए यहाँ पे आगे थोड़े कम लोग आते हैं। तो इसलिए हम आगे जाकर साफ वाले लैंड पे अच्छे से। सनसेट हो चुका है और हम लोग सब रील्स फोटोज शूट करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। तूने फोटोज खींचे? या खींचे बहुत सारी, खींचे रील्स बनाई। अब ये सारी रील्स पोस्ट होगी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, सो प्लीज गो एंड चेक आउट। अभी कल मिलेंगे, गुड बाय। कल नहीं मिलेंगे, अभी हम लोग और घूमेंगे यहाँ पे। अभी हमको भूख लगी है। अभी यहाँ पे हर जगह लाइटिंग हो गई है, रात का सीन यहाँ पे इतना मस्त होता है। बट हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा बिकॉज इस रन के अंदर कोई लाइट्स नहीं है, तो हमें गाइड नहीं कर सकता कोई रास्ते के लिए।
तो इसलिए हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से ताकि फिर रास्ता ना भटक जाए हम. सो वी आर गोइंग बैक टू आवर पवेलियन. ये तो हम यहाँ आके ज़्यादा शूट इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज इंस्टाग्राम रील्स बना रहे थे, फोटोज़ खींच रहे थे एंड प्लस हम लोगों ने सबने मिलके गरबा भी किया. ऐसे हमारा पूरा सामान एक जगह पे रख के उसके बाद हम उसके अराउंड से गरबा कर रहे थे. यू नो गुजराती इज आदत से मजबूर, इसलिए हम लोग गरबा कर रहे थे. कैसा था गरबा? मस्त, बहुत मज़ा आया. गरबा के बिना हमारी हर एक ट्रिप अधूरी है. सो इसीलिए और अब हमें भूख भी लग गई है तो हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं. और वहाँ पे वीआईपी एंट्री पे इन लोगों का बहुत अच्छे से वेलकम किया गया था. वीआईपी एंट्री के पासिस की कुछ भी है आई गेस, आई डोंट नो मच अबाउट इट. सो उधर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है, उनके लिए फंक्शन है एंड दैट प्रॉपर रणोत्सव वाली फील है. यू नो गुजराती गाने बज रहे हैं एंड दे आर वेलकम्ड इन दैट ट्रेडिशनल वे. और यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, मतलब इतने सारे लोग चल चल के जा रहे हैं, बट आई एम लविंग इट. मुझे ये ट्रिप, आई वॉज लाइक दिस वॉज द बेस्ट वन. मैं घर पे जब मुझे पता चला था कि हम लोग इस ट्रिप पे आने वाले हैं, सो आई वॉज लाइक क्रेजी अबाउट इट एंड इसलिए मैंने घर पे से ही लोगों के ब्लॉग्स देखने चालू कर दिए थे कि ये लोग यहाँ पे जाते हैं, ये लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे एंड नाउ फाइनली आई एम हियर. सो बहुत अच्छा लग रहा है. बात की जाए अगर ठंड की तो ये ठीक है, मैं कोट पहन के घूम रही हूँ, आई नो, बट कोट पहनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. मुझे लगा था यहाँ पे बहुत ठंड होगी, मैं टोपी लेके आई थी और अपने मफलर भी लेके आई थी इन केस अगर मुझे ज़्यादा ठंड लग गई तो मैं मफलर भी ले लूँ, जैकेट भी ले लूँ, सॉक्स भी ले लूँ, बूट्स भी ले लूँ, हैंड ग्लव्स भी ले लूँ, टोपी भी ले लूँ, तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी. लाइक गर्मी भी नहीं है, ठंडी भी नहीं है, इट्स लाइक विंडी एंड बहुत अच्छा लग रहा है. ठंडी लग रही है? नो नहीं, ये खुद बिना जैकेट के घूम रहा है. वो तो मैंने भी वन पीस पहन रखा है यार, ऐसा भी नहीं है फुल कपड़े पहन रखे तो ठंडी नहीं लग रही. मैंने वन पीस पहना है तब भी ठंडी नहीं लग रही है, पर मैंने कोट भी पहना है, पर वो बस शो के लिए, इट्स लाइक ओनली फॉर लुक, आउटफिट है ना. इवनिंग वाइब्स एट वाइट रन. यहाँ पे वीआईपी एरिया में जिन्होंने भी वीआईपी पासेस लिए हैं उनके लिए बहुत अच्छा रणोत्सव प्लान किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है. डीजे है और गुजराती ट्रेडिशनल म्यूजिक है और सब ऑडियंस आकर बैठी होंगी वहाँ पे. गुजराती कच्छी फोक डांस दिखाया जाएगा, कच्छी फोक म्यूजिक, यू नो बहुत देसी सी वाइब लेने के लिए. अभी तो कोई आए भी नहीं है ज्यादा ऑडियंस. सैडली नाउ इट्स एग्जिट टाइम और अब हमें जाना पड़ेगा. और ये गेट कितना प्यारा बनाया है लोगों ने, हम इस गेट से होकर जाएंगे और अब हमारी बस में बैठेंगे मे बी और जाएंगे हमारे डिनर के लिए बिकॉज सबको बहुत भूख लग गई है. वहाँ पे अभी भी वो प्रोग्राम चल ही रहा है रणोत्सव का. वहाँ पे सिर्फ वीआईपी एंट्री नहीं है, जनरल एंट्री भी है. सो विदाउट वीआईपी पासेस भी आप जाके बैठ सकते हो, पीछे वाली सीट्स रखी हुई हैं उसके लिए. सो बट हमारा टाइम का थोड़ा इशू हो गया है सो हम नहीं जा सकते सैडली, बट कोई बात नहीं. बाय बाय. The next day. हम आ गए हैं मांडवी बीच और यहाँ पे सारे वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं और हम सब वाटर स्पोर्ट्स, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे. सेम ये जूरी जैसा ही लग रहा है लेकिन यहाँ पे वाटर राइड्स बहुत अच्छी है, बहुत. ये कश्मीर जैसी एक बोट है.
जैसल तोरल की समाधि देखने के लिए आए हैं, उनके दर्शन करने के लिए। उनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो बहुत फेमस है, और यहाँ पे पूरे शहर में मतलब सब तलवार और उनके सुविनियर्स वगैरह लगाए होते हैं।